तीन मिनट में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी 10 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि यह भाजपा की तुच्छ और प्रतिशोध की राजनीति का उदाहरण है। अयोध्या फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने यूपी के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है। चीफ जस्टिस के साथ बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल रहे। चर्चा है कि कभी भी अयोध्या केस में फैसला आ सकता है। गोरखपुर एम्स को लेकर एक खुशखबरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां दो नए विभाग एनेस्थीसिया और पल्मोनरी शुरू होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गोरखपुर एम्स में अप्रैल से मरीज भर्ती होने लगेंगे। गेस्ट हाउस कांड को लेकर मायावती ने मुलायम सिंह के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी दी है। आपको बता दें कि ये कांड 2 जून 1995 का है। मायावती के इस कदम की राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। अयोध्या पर आने वाले फैसले को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इस बार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक निगरानी के लिए 28 ड्रोन लगाए गए हैं। बीएसपी ने अब जिलाध्यक्ष बनाए जाने को लेकर नियमों में बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि अब ये पद केवल अनुसूचित जाति नहीं बल्कि सभी जातियों के लिए खोल दिया गया है। ऐसा कर एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास हो रहा है। नोटबंदी के 3 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस की तरफ से आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया है। लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की भी खबर है। नोटबंदी के 3 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने खजांची यादव का बर्थडे मनाया। आपको बता दें कि खजांची का जन्म उस समय हुआ था जब उसकी मां नोटबंदी की लाइन में लगी थी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। शिवपाल यादव शुक्रवार को मिर्जापुर पहुंचे हुए थे। शिवपाल ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा है कि थाना से लेकर तहसील में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। देव उठनी एकादशी पर यूपी के कई शहरों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। खासकर काशी, अयोध्या, प्रयागराज जैसी धार्मिक नगरियों में लोग धार्मिक स्नान के लिए काफी संख्या में जुटे। लाखों लोगों ने गंगा और सरयू नदी में डुबकी लगाई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।